हाय गाइस, दिस इज़ खुशबू अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स और रिवर्स जेनेटिक्स के बारे में। सो फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या होता है? हम पहले फिनोटाइप को डिटेक्ट करते हैं, कोई भी म्यूटेशन फिनोटाइप एक्सप्रेशंस को पहले डिटेक्ट करते हैं। हमें नहीं पता वो म्यूटेशन या वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन किस जीन के वजह से हो रहा है। पहले फिनोटाइप को डिटेक्ट करेंगे, फिर हम उस जीन को रिकॉग्नाइज करेंगे जिसके कारण वो पर्टिकुलर फिनोटाइप दिख रहा है, और वो जीन का फंक्शन एंड सीक्वेंस को एनालाइज करेंगे। सो दिस इज़ द फॉरवर्ड जेनेटिक्स हम जैसे जाते हैं। बट रिवर्स जेनेटिक अप्रोच क्या होता है कि आप पहले किसी जीन को लीजिए, आप जीन के सीक्वेंस को पहले से जानते हैं, आप उसमें म्यूटेशन इंड्यूस करिए और उसके बाद देखिए कि क्या फिनोटिपिक चेंजेस हो रहे हैं। तो हम लोग पहले म्यूटेशन इंड्यूस करेंगे नॉन जीन सीक्वेंस में, और उसके बाद फिनोटिपिक इफेक्ट को एनालाइज करेंगे एंड डिस्कवर करेंगे कि एक्चुअल जीन सीक्वेंस क्या था। तो इसमें पहले हमें जीन का आइडिया होता है, इसमें पहले हमें फिनोटाइप का आइडिया होता है। सो दिस इज द इफेक्ट।